वो पल तो तुमने भी जिए होंगे, जब किसी को तकलीफ से दूर रखने के लिए जज्बातों के घूंट तुमने भी पिए होंगे। वो पल तो तुमने भी जिए होंगे, क्या क्यों ऐसे 100 सवाल तुमने खुद से किए होंगे, पर किसी की मुस्कान की सलामती के लिए वो जज्बातों के दो घूंट तुमने भी पिए होंगे। जनाब वो जज्बातों के दो घूंट तो तुमने भी पिए होंगे। अब इसी से आगे जोड़ती हूँ कुछ पंक्तियाँ। बात तब की है जब जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ी थी कि जिस मोड़ पे उलझने बड़ी थी। बात तब की है जब जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ी थी कि जिस मोड़ पे उलझने बड़ी थी। कहना ना कहना ऐसे दिमाग में कुछ ख्याल भी थे, पर बस कश्मकश में पड़ी थी। जिंदगी के उस मोड़ पे खड़ी थी कि जिस मोड़ पे उलझने बड़ी थी उस वक्त कुछ लिखा। गौर फरमाइए, कभी कभी सोचती हूँ कि चुप रहूँ। अंदर ही अंदर खुद से एक लड़ाई चल रही है, बड़ी गहराइयों से इन उलझनों की पढ़ाई चल रही है। कभी कभी कुछ अधूरा सा लगता है, जाने ये किस्सा क्यों ना पूरा सा लगता है। खुद से खुद की लड़ाई में यूं उलझनों की पढ़ाई में। कहीं कुछ मुझ में दफन सा होता जा रहा है, ये अधूरा सा किस्सा कुछ यूं खत्म सा होता जा रहा है। पर उम्मीद, जानते हैं ना सब, उम्मीद सबको होती है यार, कुछ तो बदलेगा, तो बस उसी उम्मीद ने हमें भी ले लिया। पर उम्मीद तो मैंने अभी छोड़ी नहीं, वक्त से किसी ना जोरी नहीं। उस पल का इंतजार भी है खुदा पे अपने यूं तो कुछ एतबार भी है। बदलेंगे दिन कुछ बेहतर के लिए। यूं बस अभी इस लम्हे से तकरार सी है। वो पल तो तुमने भी जिए होंगे, जब तकलीफों के दो घूंट तुमने भी पिए होंगे। ये कुछ यूं ही लाइनें लिख दी थी बस। गुलाबों सा महकता था वो देखकर खिले हुए चेहरे की झलक में। गुलाबों सा महकता था वो देखकर खिले हुए चेहरे की झलक मेरी, कुछ इस तरह थी उसको तलब मेरी। बात यूं है कि मुझे समझाना नहीं आता, अपने ख्यालों को अल्फाजों में बसाना नहीं आता। यूं दिल तो नाम तुम्हारे कर ही बैठे हैं, बस इस नादान रूह को, तुम्हारी रूह को चूकर तुम्हें बस जाना नहीं आता। तुम्हारी रूह में बस जाना